हैप्पीनेस एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में छोटा सा लगता है, बट जिंदगी में इसका एक बड़ा रोल होता है। आफ्टर ऑल हम सभी लाइफ से क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स। जो भी चीज़ें थ्रू आउट लाइफ हम करते हैं उनका सोल पर्पस होता है हैप्पीनेस अचीव करना। बट क्या आप अपनी लाइफ में आज जिस भी पॉइंट पर हैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि खुश हैं? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा नो, क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी बाहरी चीज़ों में, बाहरी लोगों में खुशियाँ ढूंढने में बिता देते हैं एंड खुशी कहीं नज़र नहीं आती। बचपन में हमारी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं होती थी, हमें लगता था अगर एक एक्स्ट्रा चॉकलेट और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, या काश मेरे पास ढेर सारे टॉयज़ होते। फिर हम सोचते थे एक दिन जब बड़े हो जाएंगे तब ढेर सारी चॉकलेट्स एंड टॉयज़ खरीदेंगे, क्योंकि फिर मना करने वाला कोई नहीं होगा एंड देन आई विल बी सो हैप्पी। आज जब आप बड़े हो चुके हैं जितनी चॉकलेट्स चाहें खरीद सकते हैं, बट वो हैप्पीनेस कहीं नहीं दिखती जो बचपन में सोचा था बड़ा होने पर मिलेगी। इसके बाद हम सोचते हैं जैसे कि अब चॉकलेट खुशी नहीं दे सकती क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो शायद दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें अचीव करना होगा जिसके बाद हैप्पीनेस मिल जाएगी। हम सोचते हैं एक जॉब मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, बट जॉब के कुछ टाइम बाद वापस सेम फीलिंग आ जाती है। फिर लगता है एक कार होगी एंड घर हो जाएगा तब ज़रूर खुश हो जाएंगे, बट कुछ टाइम बाद फिर से सेम फीलिंग आ जाती है। उसके बाद सोचते हैं शादी हो जाएगी, एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, एंड अगेन द प्रॉब्लम इज सेम। एंड ये लिस्ट नेवर एंडिंग है जो इंसान के मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। वो हैप्पीनेस को चीज़ों से बांध देता है कि अगर एक सर्टन चीज़ लाइफ में नहीं होगी तो खुश नहीं रह पाएंगे, और वो सोचता रहता है कि अगर वो चीज़ होगी बस तभी खुशी मिलेगी वरना नहीं मिल सकती। बट उसे ये रियलाइज़ नहीं होता कि प्रॉब्लम्स उन चीज़ों के साथ बदलती जाती हैं। द जॉब इज़ अ प्रॉब्लम, द कार इज़ अ प्रॉब्लम, द हाउस इज़ अ प्रॉब्लम, द हस्बैंड और वाइफ इज़ अ प्रॉब्लम, द चिल्ड्रन आर अ प्रॉब्लम। एंड तब एक पॉइंट आने पर फील होता है हैप्पीनेस का इन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। गौतम बुद्धा कहते हैं यू ओनली हैव टू नो वॉट यू आर एंड हाउ यू एग्जिस्ट। अपने दिमाग को समझने की कोशिश करें कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे सोचता है, अटैचमेंट एंड डिज़ायर्स कहाँ से कैसे आते हैं, इग्नोरेंस कैसे आती है, इमोशंस कहाँ से आते हैं, इन सब का नेचर एंड इसका रूट कहाँ लाए करता है, ये जानना काफ़ी है। और जब हम ये करना सीख लेते हैं तब खुद ही हैप्पीनेस एंड पीस फील होने लगता है एंड लाइफ में चेंज खुद ब खुद दिखने लगता है। एवरीथिंग गेट्स टर्न्ड अपसाइड डाउन। जो चीज़ें आपको पहले डिस्टर्बिंग लगती थी अब वो डिस्टर्बिंग नहीं लगती, हर जगह खूबसूरती देखने लगती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ ऐसा पॉसिबल कैसे है? माइंड को चेक कैसे किया जा सकता है? इन थॉट्स को जो अपने आप दिमाग में आ जाती हैं इन पर नज़र कैसे रखी जा सकती है? इसके लिए हमें अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। जस्ट दिमाग पर नज़र रखिए कि वो आसपास की चीज़ों को कैसे देखता है, समझता है एंड उन चीज़ों से आपके अंदर कैसे इमोशंस एंड फीलिंग्स आते हैं, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, लव और हेट्रेड, एंगर और सैडनेस, किस टाइप के इमोशंस आते हैं ये चेक करना होगा। फिर आप रियलाइज़ करना शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचने पर आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स एंड इमोशंस आते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करके माइंड चेक किया जा सकता है, उस पर नज़र रख सकते हैं कि कब कौन सी चीज़ उसे डिस्टर्ब करती है और उल्टे सीधे इमोशंस क्रिएट करती है। हमारे इमोशंस काफ़ी पावरफुल होते हैं जो हमें कब कंट्रोल करने लगते हैं पता भी नहीं चलता, इसलिए इन इमोशंस को खुद पर हावी होने से रोकना होगा। जब तक हम खुद को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को नहीं समझेंगे, चीज़ों को कैसे देखते हैं उसे नहीं समझेंगे, तब तक हैप्पीनेस कहीं नज़र नहीं आएगी। हैप्पीनेस हमारे अंदर होती है, बस उसके लिए खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। जैसा कि बुद्धा ने कहा है, हैप्पीनेस इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कौन हैं या क्या ओन करते हैं, ये सिंपली इस पर डिपेंड करती है आप क्या सोचते हैं।
क्योंकि हमारी सोच ही है जो हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस क्रिएट करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड फ्यूचर में ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।